नमस्ते, इंडिया की रसोई में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम अपनी रसोई में बनाने जा रहे हैं कैरी की खट्टी मीठी और तीखी लोंजी। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है कैरी। तो कैरी को हमने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया था और इनको छील के इनके छोटे छोटे पीसेस हमें कट कर लेना है। और जितनी हम कैरी लेंगे उससे थोड़ा सा कम हमें लेना है गुड़। तो यहाँ पर हमने गुड़ को भी फोड़ लिया था, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई रख दी है और इसमें हम 2-3 चम्मच तेल गरम करेंगे। तो लोंजी आप घी में भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है घी में भी, आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखना। तो जैसे ही तेल गरम हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरे और इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच सौंफ और दोनों चीज़ों को अच्छे से तड़कने देंगे। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले। तो बिल्कुल थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे हल्दी। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हिला लेंगे और हमने जो कैरी काट के रखी थी वो इसमें हम मिला देंगे। और गैस की आंच को बिल्कुल धीमा कर देंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले ना, और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे नमक। तो इसमें हम 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे गुड़। तो गुड़ की जगह हम चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गुड़ में ज़्यादा टेस्टी लगती है लोंजी, तो आप गुड़ में ही बनाएं। और अब गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे पानी। तो जिस कटोरी से हमने गुड़ लिया था उस कटोरी से हम 2 कटोरी भर के पानी डाल रहे हैं इसमें। और अब हम गैस की आंच को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे पकाएंगे जब तक दोनों चीज़ें अच्छे से सॉफ़्ट ना हो जाए। ढक के पकाएंगे कम से कम 10-15 मिनट तक। तो यहाँ पर लगभग 15 मिनट हो चुके हैं लोंजी को पकते हुए। तो यहाँ पर कैरी भी सॉफ्ट हो चुकी है और गुड़ भी मेल्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि झरिए से ही इस तरीके से थोड़ा सा मैश कर लेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि इसका जो रस है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, या फिर आप किसी मैशर से भी इस तरीके से मैश कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगती है इस तरीके से, आप ज़रूर बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनती है लोंजी। तो अब हम क्या करेंगे कि 5 मिनट और हम ढक के पकाएंगे लोंजी को। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर हमारी लोंजी भी रेडी हो चुकी है। तो गैस को अब हम बंद कर देंगे और लोंजी को थोड़ा ठंडा होने ही देंगे। ठंडा होने के बाद ही ये टेस्टी लगती है खाने में। तो ये लीजिए हमारी खट्टी मीठी तीखी लोंजी बन के रेडी हो चुकी है, जो आप रोटी पूड़ी पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इस तरीके से ज़रूर बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगेगी। और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।